लेकिन हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम सारे डेटाबेसेस को एक जगह पे इंटीग्रेट करें, देन उस पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज ऐड करें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपॉर्मेंट जो भी है मिनिस्ट्रीज, वो उस चीज के अकॉर्डिंग जो भी आज के टाइम पे नशा या फिर नशा को बढ़ावा देने वाली जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस सभी पे रोकथाम लगाया जा सके। तो इस चीज के लिए इस जो भी प्रोजेक्ट पे हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, अभी तक जिस भी टॉपिक्स को मिथिलेश ने कवर किया वो सब पे आप अभी तक क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है। बाकी फिर अभी 5 टॉपिक्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पे सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फॉलोअप इंटीग्रेशन एंड विद रिहैबिलिटेशन सेंटर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ट्रैकिंग एंड प्राइवेसी कंप्लायंस है। इसको मैं थोड़ी देर बाद फिर से डिटेल्स में आपको इलैबोरेट कर लूंगा, लेकिन अभी तक जितने भी टॉपिक्स को आपको बताया गया है मिथिलेश के द्वारा, आप पे अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने क्या कहा कि 17 टॉपिक्स हैं, ये हमारा मॉड्यूल्स उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, यही मेन पर्पस है हमारा। परसों को बताया गया था, इसलिए ना ही हम प्रोटोटाइप बना पाए हैं ना ही इंप्लीमेंट कर पाए। सर इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निक्स इसमें मेंशन किए गए हैं, वो डेटाबेस की तरह भी यूज कर सकते हैं जो कि एक NoSQL डेटाबेस है, या फिर हम लोग MySQL या PostgreSQL डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं इनके साथ। सर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा लेने के लिए हम लोग QGIS सर अलग अलग एक डेटाबेस के अकॉर्डिंग पे पर्टिकुलर स्टेट्स के पास अपना अपना अलग अलग मॉड्यूल बना हुआ है। हर स्टेट्स के मॉड्यूल के बाद फिर वो डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल्स पे, देन वो होता है सेंटर मॉड्यूल्स पे। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो सकता है कि एक सेंटर हो, दो सेंटर हो, लेकिन जब सेंटर के पास कोई भी ये पेशेंट जाता है तो जब वो डेटा एंट्री करता है, कोई भी सेंटर से कोई भी डेटा एंट्री होता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के रिगार्डिंग, तो ये एक रिलेशनल फॉर्म पे इसे सेंटर के थ्रू स्टेट से रिलेट करेगा, देन स्टेट के थ्रू आपका आगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो हम लोग उस चीज पे अलग अलग ये एट्रीब्यूट्स ऐड कर करके, जैसे कि लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, एज ऐड कर सकते हैं, आपका फिर किस तरह का हैबिट हो सकता है, स्मोकिंग हैबिट है, ड्रग हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट है, कुछ भी हो उस चीज के अकॉर्डिंग हम लोग उस पे बहुत सारे ट्रैकिंग लगा सकते हैं, इनसाइट जनरेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन से बार बार एक तरह की एडिक्शन की खबरें आ रही है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का एडिक्शन हो रहा है, किसी एक गैप के बाद फिर से हो सकता है कि एडिक्शन का आदत फिर से रिजेनरेट हो जा रहा है। तो ये सब इनसाइट्स को हम लोग जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, जिससे कि हम लोग इनडायरेक्टली अपने ही सोसाइटी को हेल्प कर रहे होंगे, ताकि आगे जाके फिर कभी इस तरह की चीजों को बढ़ावा ज्यादा ना मिल सके और रोकथाम हम लोग अच्छे से कर सके। बस ये है इस चीज का। तो इसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जैसे कि सर ने पूछा, तो मर्ज स्टैक बेस्ड रहेगा पूरा एप्लीकेशन। उसके बाद जब हम लोग रियल टाइम ये लोकेशन यूज करें, सर मर्ज स्टैक एक कंप्लीट फुल स्टैक है जिसमें कि कंप्लीट कोड जो रहता है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड रहता है, जिसमें एम स्टैंड करता है MongoDB के लिए। हम इसको ये भी चेंज भी कर सकते हैं अगर नीड रहेगा, जैसे कि MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है, ये JSON फॉर्मेट या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सपोर्ट करता है डेटाबेस को, और MySQL वगैरह ये टेबल एंड रो पे डिपेंड करता है पूरा। तो हम लोग इस पे अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं। देन EExpress होता है, Express और Node, Node और Express मिलकर एक बैकएंड का फॉर्मेट बनाता है, जिससे पूरा का पूरा API कॉलिंग वगैरह जो भी फंक्शनैलिटीज बैकएंड में होगा वो सारा Express और Node हैंडल करते हैं। और देन फिर React आता है, React करता है complete single page application होता है, जिसमें कि जब भी हम लोग page to page swap करेंगे तो वो particular page reload नहीं करता है। तो आप पहले तो आपका यहाँ फ्लो डायग्राम नहीं दिखा मुझे। ओके सर, वो आपको कर रहा था, और जहाँ तक समय का बात करते थे सर, आपको दो दिन तीन दिन समय मिला, सबके साथ वही सर वो बहुत और तीसरी चीज जो आपने ये जो प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हो,
मेरा एक ही सिर्फ क्वेश्चन है आप जो इस प्रोजेक्ट को जो एमएसएस पार्क डाला है आपने डिफरेंट रॉ डेटा का आप कलेक्शन कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेज से हाउ टू एनालाइज दिस डेटा हाउ टू एनालाइज दिस डेटा विदाउट एनी डेटा माइनिंग टेक्निक और मशीन लर्निंग टेक्निक हाउ टू एनालाइज दिस सर वन मोर थिंग ओके सर ने पूछा था कि हाउ टू रिकॉल द तमिल लैंग्वेज और समथिंग लाइक If you have any technically sound in your project, which is the help of voice recognition, AI concept, जैसे आपने तमिल में बोला तो तमिल का लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या आपने बंगाली का बंगाली में कन्वर्शन हो जाए, तो there is some technique over there in your project. Yes sir. I can convert any language from any language. Yes sir. Which types of technique you have? Like we can integrate Google Translate. That will translate in real time. Because or we can also create different types of modules for different tests. Because yeah, this type of project be available hai. Yes sir. In the market also yes, available. Yes sir. So हम मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी project को क्यों accept नहीं कर रहे? Sir, but that is only for different sector. But we are targeting this sector. अब आपके पास 3 दिन का समय था नहीं है आपको हो सकता है फाइनल प्रेजेंटेशन देने के लिए या फाइनल इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 ही दिन का टाइम हो तो वहाँ जाकर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे को कम समय दिया गया क्योंकि सारी टीम्स को उतना ही समय दिया गया तो टाइम आपको मैनेज करना है ठीक है ना आज आपको अगर आना था तो यू शुड हैव डन समथिंग अभी आपका कुछ रियल ग्राउंड पर कुछ नहीं Sir, one of my project is using 5 million plus people. There, I don't know what you're working in. Asking, what is the objective of this project? That's my question. Sir, objective was itta hai. Every particular ministry ke paas. एक जगह पे उसको एग्रीगेट करना है ये मिनिस्ट्री का डिमांड है जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बस फुलफिल कर रहे हैं साथ में जो भी आपको ये मॉड्यूल समझाया गया है ये मॉड्यूल से एक एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन है उसमें ताकि गवर्नमेंट जो भी है मिनिस्ट्री उस चीज को यूज करके रोकथाम पे ध्यान दे सके बस ये है इसका विषय ठीक ओके पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है क्योंकि सर ये जो पर्टिकुलर किसी भी सेंटर पे तो वो अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं नॉट ऑलवेज वी आर थिंक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सर ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है इंडिया सर मेरे कोई रिलेटिव जाके वहां पे है किसी रिहैब में है देन हम उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं ये तो हो सकता है ना सर कि मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई जाके वहां पे कोई फ्रेंड्स कोई कलीग्स हैं वहां पे जो कि वहां पे रिवील सर इस केस में रिवील करना एक अपने फैमिली के लिए तो रिवील जो सर उसको ले जाके आए तो ओके बट और किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता है और लोगों के सामने रिवील नहीं होगा वो एक पर्सनल लॉगिन के बेसिस पे रहेगा क्योंकि एक्सेस दिया जाएगा पर्टिकुलर जो भी उस ऑल पर्सन यू कांट एग्रीगेट ये यूजर ने एक्सेस सारे के लॉगिन आप बना नहीं सकते सर वी कैन मेक इट डेवलप सर वी कैन डेवलप एल्गोरिथम दैट विल रजिस्टर यूजर्स इफ आई एम अ यूजर देन आई कैन रजिस्टर माय सेल्फ आप अपना ले लोगे यूजर ठीक है But you can see all the persons who have been identified. Yeah. Or your profile only, your related profile. If I am general people, then I can only access.